जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली माता की बोल साचे दरबार की जय। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं श्री अमरनाथ यात्रा 2024 और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा 2024 के बारे में। अगर आप भी इस साल श्री माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ दोनों यात्राएं एक साथ करना चाहते हैं तो गाइस आज की मैं आपके लिए एक प्लान लेके आ चुका हूँ और एक बहुत सस्ता और एक बढ़िया आइडिया लेके आ चुका हूँ जिसके द्वारा आप श्री माता वैष्णो देवी की और बाबा अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो गाइस जैसा आप सभी को पता है कि बाबा की जो यात्रा है वो 29 जून से लेके और 19 अगस्त तक चलने वाली है। सावन आपके 22 जुलाई से और 19 अगस्त तक है, तो इस बीच टोटल जो है 52 दिन की यात्रा है। और इस बीच बहुत सारे भक्त होते हैं, कोई बाहर बाहर से बहुत दूरों से आते हैं, मतलब अमरनाथ यात्रा के लिए समझ लीजिए कि देश के हर कोने से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए। और बहुत से लोगों का प्लान होता है कि जब हम श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम श्री माता वैष्णो देवी के भी दर्शन करते चलें। तो अगर आप दोनों तीर्थ स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भगवान भोलेनाथों या हमारी श्री माता वैष्णो देवी, वो दोनों ही यात्राओं में आपको चढ़ाई करनी पड़ती है और दोनों ही यात्राएँ बहुत रोमांचक है। दोनों ही यात्राएँ ऐसी है कि जहाँ पर जाने के बाद इंसान की सारी थकान दूर जाती है और अपनी माता और प्रभु को देख के लोगों के आंसू आ जाते हैं। तो गाइज अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, तो कैसे करनी है आपको, उसके लिए आपको मैं प्लान बता देता हूँ। देखिए अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के पहले दर्शन करना चाहते हैं फिर आप बाबा की अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं, या पहले आप अमरनाथ यात्रा के दर्शन करके फिर माता वैष्णो देवी तक आते हैं, तो इस बीच का मैं आपको बता दूँ ट्रेन जर्नी आपकी कैसे रहेगी, आप ट्रेन से जर्नी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं वो बस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, उनको उल्टियाँ लगती हैं, उनकी तबीयत खराब होती है, तो मोस्टली लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो मैं ट्रेन जर्नी लेके आया हूँ तो श्री अमरनाथ यात्रा तक की भाई कैसे करनी है वो इस वीडियो में आप ध्यान से सुनना बिल्कुल। और प्लीज़ अगर वीडियो पहली बार है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज बहुत सारे रिसर्च करके और अपना एक्सपीरियंस लेके आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। तो चलिए सबसे पहले हम पहुंचते हैं दिल्ली, और दिल्ली से अब हमारा सफर चालू होता है श्री माता वैष्णो देवी के लिए। तो गाइज अगर आप दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी आते हैं तो उसके लिए आपका जो क्रॉसिंग पॉइंट पड़ता है वो है कटरा रेलवे स्टेशन। कटरा रेलवे स्टेशन जैसे ही आप पहुंचेंगे वहां से आप श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चालू कर देंगे। तो माता वैष्णो देवी के आप दर्शन करेंगे, ऊपर 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है भैरव बाबा तक की, तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा की चढ़ाई करके आप नेक्स्ट डे नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट डे नीचे आएंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, कटरा से ही आपकी क्या कहते हैं कि संगलदान। संगलदान गाइस वो जगह है जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो कटरा से आपको शेयरिंग जीप मिल जाएगी, शेयरिंग में आपको गाड़ियां मिल जाएंगी, वो आप संगलदान तक ले लीजिएगा। संगलदान तक जो है 100 किलोमीटर पड़ता है कटरा से आपका और रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ से आपको मिल जाएगी गाइस। जैसे आप रामबन के संगलदान में पहुँचेंगे, संगलदान से फाइनली ट्रेन चालू हो चुकी है जो कि बनिहाल और श्रीनगर के लिए जाती है। तो आप क्या करना है, आपको ट्रेन ना आपको श्रीनगर जाना है ना आपको बनिहाल जाना है, आपको दोस्तों जाना है अनंतनाग। अगर आप अनंतनाग पहुंचते हैं तो अनंतनाग से आप मतलब कि आप संगलदान से आप अनंतनाग तक की ट्रेन पकड़ेंगे, जिसके बीच 100-150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र है ये। तो आप 150 किलोमीटर बाय ट्रेन जाएंगे जो कि आपको 2 से 3 घंटे में आपको ट्रेन उतार देगी। उसके बाद आपको वहाँ से सिर्फ आपका पहलगाम रहता है 40 किलोमीटर। और गाइस अगर आप देखिए आपका कितना सारा सफर बच गया, आप पहले श्री माता वैष्णो देवी आए, वहाँ से दर्शन करने के बाद शेयरिंग जीप पकड़ी हम संगलदान तक, संगलदान ओनली 100 किलोमीटर है, फिर संगलदान पहुँचेगा तो वहाँ से आप ट्रेन पकड़िएगा, 150 किलोमीटर का सफ़र फिर आप अपना ट्रेन से करने वाले। इस बीच आप कश्मीर के नज़ारे ले लेंगे और कश्मीर की ट्रेन में भी जर्नी कर लेंगे, और आप फाइनली अमरनाथ यात्रा के बिल्कुल पास, यानी कि आप भाई पहलगाम से यात्रा करना तो पहलगाम वहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर जाता है, तो आप पहलगाम तक पहुँच जाएंगे बाई। वहाँ से आप शेयरिंग जीप या बस कुछ भी ले लीजिएगा, आपका 50 या 60 रुपये लगते हैं जो कि आपको पहलगाम छोड़ेंगे। तो पहलगाम उतरने के बाद फाइनली आप अपनी यात्रा अमरनाथ यात्रा भी कर सकते हैं। और अगर आपको श्री अमरनाथ यात्रा पर पहले जाना है, बाद में आपको आना है क्या कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी, तो आप उसके लिए आप गाइस पहले आप जम्मू तक आइएगा। जम्मू आने के बाद आप जम्मू से क्या कहते हैं भगवती नगर बेस कैंप में रुकेगा, वहाँ से आप अपना यात्रा परमिट ले लीजिएगा श्री अमरनाथ यात्रा का। तो पहले आप बाबा की यात्रा कर लीजिए, ठीक है। बाबा की यात्रा करने के बाद आप फाइनली फ्री हो जाएंगे। तो श्री माता वैष्णो देवी में क्या है कि कोई आपका परमिट नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना। फिर वहाँ से आप क्या करिएगा, जैसे आपकी श्री बाबा की यात्रा हो गई, बाबा की यात्रा करने के बाद आप आ जाइए अनंतनाग।
अनंतनाग गाइज आएंगे, अनंतनाग से फाइनली क्या है कि आपको ट्रेन मिल जाएगी जो कि आपको उतार देगी संगलदान। संगलदान आप पहुंचेंगे, संगलदान से शेयरिंग जीप या कुछ भी पकड़िएगा, आपसे कटरा आना हो कटरा जाइए, अगर कटरा के लिए नहीं मिलती तो आप उधमपुर आके कटरा आ सकते हैं, फिर आप वहाँ से श्री माता वैष्णो देवी की अपनी यात्रा कर लीजिए और वहाँ से वापसी ट्रेन पकड़ के वापसी आप अपने पॉइंट तक आ सकते हैं। तो गाइज़ ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी उन भक्तों के लिए जो कि श्री माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ की यात्रा एक साथ करना चाहते हैं। तो गाइज़ बस यही था, क्योंकि आप सभी को पता बहुत हार्ड यात्रा है तो बार बार दर्शन नहीं होते हैं, एक बार दर्शन होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद।